क्या आपको दिया गया चेक कभी बाउंस हुआ है? क्या आपको दिया है कभी किसी ने फर्जी चेक? चेक बाउंस बैंकिंग में जिसको एक नकारात्मक स्थिति माना जाता है। साधारण शब्दों में समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिसीव्ड चेक को बैंक में पेमेंट के लिए दें और वो रिजेक्ट हो जाए तो बैंक इस चेक को बिना पेमेंट के ही वापस भेज देती है, जिसे चेक बाउंस होना कहते हैं। क्या आप जानते हैं चेक बाउंस होना एक क्राइम है? अगर कोई व्यक्ति आपको चेक से भुगतान करता है और आप उस चेक को बैंक में जमा कराते हैं, लेकिन यदि वह चेक बाउंस हो जाता है तो आपको चेक बाउंस होने की सूचना उस व्यक्ति को देनी होगी और एक महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को आपका भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति आपको समय से भुगतान नहीं करता है तो आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, और इतना ही नहीं, अगर वह तब भी भुगतान नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। चेक के बाउंस होने पर बैंक की तरफ से आपको एक रसीद मिलती है जिसमें चेक बाउंस होने की वजह बताई जाती है। यदि आपका कोई चेक बाउंस होता है तो देनदार को 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजना होता है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर देनदार 15 दिन तक कोई जवाब नहीं देता है तो लेनदार उसके खिलाफ केस दायर कर सकता है। चेक बाउंस होने पर देनदार को 2 साल की सजा हो सकती है, साथ ही देनदार को ब्याज का पूरा रुपया भी चुकाना पड़ेगा। केस आपकी रहने वाली जगह पर कराया जाएगा।